वालेकुम दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे दोस्तों अभी इस वक्त करंट सिचुएशन में काफ़ी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अपनी क्लासेस ऑनलाइन चला रही हैं जिसके लिए वो जूम ऐप यूज़ कर रही हैं और जूम ऐप के यूज़ करने का तरीका मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता दिया है लैपटॉप और मोबाइल दोनों के लिए दोस्तों ज़ूम ऐप में जब आप मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं अपनी आई से तो आजकल ये मसला चल रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं या फुल नेम नहीं लिखते जिसकी वजह से उनको टीचर्स या तो मीटिंग में इंटर होने नहीं देते या एंटर होने के बाद गाइड करते हैं कि वो दोबारा से रीनेम कर लें तो काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जूम ऐप में दोबारा से रीनेम उस वक्त ड्यूरिंग मीटिंग कैसे करें और फिर वो दोस्त या तो फिर लॉग आउट करके मीटिंग से मीटिंग लीव करके फिर आ जाते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मीटिंग के दौरान रीनेम कैसे करें फ्रेंड्स सबसे पहले जब भी आप किसी मीटिंग में जाते हो तो जो आपके सामने स्क्रीन पर सिचुएशन आ रही है बिल्कुल exactly एग्जैक्टली ऐसी ही सिचुएशन आ जाती है आप सबके सामने उधर फ्रेंड्स आप सबको क्या करना है फ्रेंड्स आप सबको उधर ये जो नीचे पार्टिसपेंडेंट्स लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है इस पर जब आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो देखें जब इस वक्त मेरे सामने ये मेरी आईडी शो हो रही है उस वक्त आपके सामने पचास साठ जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे आप ढूंढ कर अपनी आईडी सर्च करेंगे कि नीचे आपकी आईडी किस जगह पे है फिर आपको उधर पहुंचना है ठीक है फ्रेंड्स फिर आपको पहुंचने के बाद ये जो आप आईडी देख रहे हैं इस पर आपको सिर्फ दो बार क्लिक करना है जैसे ही मैंने दो बार क्लिक किया देखें फ्रेंड्स मेरे सामने ये एक ऑप्शन आ गया जिसमें रीनेम लिखा हुआ है तो जैसे ही फ्रेंड्स आप इस रीनेम में जाएंगे तो आप यहां से अपनी आईडी रीनेम कर सकते हैं सपोज़ अभी अपना में रोल नंबर रीनेम कर रहा हूँ uh, ये हटा रहा हूँ फॉर फॉर इधर से तो आप देखेंगे कि बिना मीटिंग लेफ्ट किए ही मैं अपने रीनेम चेंज नेम चेंज कर दूंगा जैसे ही मैंने ओके okay किया फ़्रेंड्स देखें मैं अभी भी मीटिंग में हूँ और मीटिंग कंटिन्यू है जस्ट मैंने रीनेम कर दिया अपनी आई को फ्रेंड्स आप उसके बाद एक मसला है अब काफ़ी दोस्त जब ये ऑप्शन ट्राई करेंगे तो जब वो यहाँ पर आकर अपनी आईडी पर आकर वो जब यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो उनको यहाँ रीनेम की जगह रेज हैंड का ऑप्शन मिलेगा या कोई और ऑप्शन मिल सकता है तो जब ये मसला हो तो आपको परेशान नहीं होना इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स वो मैं आपको अभी बताता हूँ इसका मतलब ये है कि आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने ये जो आप मीटिंग मे, की सेटिंग देख रहे हैं इसमें जाकर और फिर आप यहाँ पर ये ऑप्शन देख रहे हैं रीनेम देम सर्विस ये होस्ट के हाथ में होता है कि वो सब बाकीियों को अलाउ करता है कि नहीं कि वो अपनी आईडी रीनेम करें कि ना करें तो दोस्तों अगर आपकी आईडी रीनेम ना हो तो आप परेशान होने के बजाय अपने टीचर को रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि सर ये जो ऑप्शन है रीनेम वाला आप काइंडली ऑन कर दें ताकि हम अभी के अभी, अभी अपनी आई डी कर सकें दोस्तों यही दो तरीके होते हैं ड्यूरिंग मीटिंग जूम में रीनेम होने के बल्कि यही एक तरीका होता है और ये दूसरा मसला होता है जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स फेस करते हैं क्योंकि टीचर्स को इस वक्त अचानक ये पेंडेमिक की वजह से जूम ऐप चलानी पड़ी है तो काफ़ी उस्तादों को भी नहीं पता होता कि उन्होंने ये ऑप्शन अन इंटेंशनली ऑफ कर रखा है तो उनको भी बता दें कि वो ये ऑप्शन ऑन रखें और आप खुद भी जान लें कि आप किस तरह से जूम ऐप में रीनेम हो सकते हैं मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स और हमारे दोस्त जो इस वक्त इस वजह से परेशान हैं और वो इस मसले के लिए ख़ुद को बार बार मीटिंग लेफ्ट करके फिर ज्वाइन करते हैं तो वो मेरे इस वीडियो से गाइड हासिल कर सकें अच्छा दोस्तों एक और मसला यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि दोस्तों काफ़ी दोस्त लॉगिन विथ जी मेल कर रहे हैं वो रो तकरीबा रोज़ जो कि जूम ऐप पर आते हैं तो वो जी मेल के थ्रू आते हैं फ्रेंड्स उससे ये मसला होता है कि आपको रोज़ अपना नेम और रीनेम रोल नंबर वग़ैरह लिखना पड़ता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख कर ख़ुद को एक बार साइनअप कर लें जूम से आपकी जब जूम की आईडी बन जाती है तो आप उसकी पिक्चर उसकी रोल नंबर वग़ैरह जो भी आप उधर ऐड करना चाहें अपना डिपार्टमेंट वो सब आप जूम ऐप की ऐप में जाकर सेटिंग कर सकते हैं अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सपोज़ ये मेरी जूम की आईडी बनी हुई है आपके सामने इधर से ही यहाँ नीचे जो कॉर्नर में यहाँ पर मेरे पास ये सेटिंग का ऑप्शन है इधर से मैं अपनी यहाँ पर देखें ये बेसिंग सेटिंग से जाकर मैं अपनी पिक्चर और नेम वग़ैरह चेंज कर सकता हूँ और वो मेरा हमेशा रहेगा तो दोस्तों इसी तरह से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जूम में रीनेम कैसे किए जाए थैंक यू दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा दुआओं में याद अल्लाह हाफिज़